इकरा टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा इस वर्ष भी मुस्लिम समाज के बच्चों को सम्मानित किया गया। अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम समाज सभी क्षेत्रों में पीछे ही खड़ा नजर आता है और इसका बहुत बड़ा कारण है मुस्लिम समाज का बहुत ज्यादा शिक्षित ना होना। परंतु समाज के शिक्षित ना हो पाने के कारण आर्थिक समस्या को माना जाता है और समाज खुद भी यह महसूस करता है। ऐसी स्थिति में अंधेरे में मशाल की तरह इकरा टीचर्स एसोसिएशन ने समाज में फैले इस अंधेरे को धीरे धीरे हटाने का बीड़ा उठाया है और एसोसिएशन समाज के वे बच्चे जो आर्थिक समस्या की वजह से स्कूली शिक्षा या उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं उन्हें शिक्षित करने का सफल प्रयास कर रहा है। इकरा टीचर्स एसोसिएशन ने इस वर्ष भी मुस्लिम समाज के होनहार बच्चों का सम्मान किया। यह सम्मान कार्यक्रम सेक्टर 6 जामा मस्जिद के कम्युनिटी हॉल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और ठीक इसके बाद 10वीं और 12वीं में 70% से अधिक अंक लाने वाले मेगावी छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। हर हाल में समाज के बच्चों को यह बताया गया कि अगर उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वह इकरा टीचर्स एसोसिएशन से संपर्क कर सकते हैं जहां से उन्हें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए मदद की जाएगी। और यह मदद सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले समय में समाज में फैले शिक्षा के अंधियारों को दूर किया जा सके। प्रोग्राम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान पुष्पगुच्छ देकर किया गया। वहीं समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर समिति के मुखिया का पुष्पहार से स्वागत किया। यहाँ समिति के मुखिया ने जहाँ कार्यक्रम की जानकारी दी तो वहीं एसोसिएशन की अध्यक्षा ने भी एसोसिएशन के सफर की जानकारी दी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार रौनक जमाल सिद्दीकी ने ऐसे कार्यक्रमों से समाज की उन्नति की बातें कही हैं। वहीं होनहार बच्चों ने भी इकरा टीचर्स एसोसिएशन का दिल से शुक्रिया अदा किया है और आगे खुद भी सफल होकर इकरा टीचर्स एसोसिएशन को शिक्षा की दिशा में किए जाने वाले कामों में हाथ बटाने की बातें कही हैं। नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों का ज़ईफ़ों का हिफाजत करना, इसी मकसद के तहत हमारी तंजीम 2006 से ये काम करती आ रही है। हमारी तंजीम का वाहिद मकसद है कि हमारे कौम के जो दबे कुचे गरीब नादार किस्म के लोग हैं जिन्होंने जो है स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, ऐसे दबे कुचे लोगों के लिए हमारी तंजीम जो है पैसा दे करके उनकी तालीम पूरी कराती है और उनके बेहतर रिजल्ट आने पर हमारी तंजीम उनको जो है एजाज़ नवाजती है, उनको सम्मानित करती है। हमारे तंजीम का सिर्फ ही एक ही मकसद है, हमारे कौम के बच्चे पढ़ें और बढ़ें, इसके अलावा नथिंग। कोई भी बच्चा किसी हेल्प के लिए आता है मैं कहता हूँ नहीं, कलम के अलावा कोई तलवार नहीं, कलम उठाओ और आगे बढ़ो और वहाँ पर जहाँ भी कहीं आपकी कमी पैसे की आती है मेरे मोबाइल पे फ़ोन करो, मुझसे मिलो, मेरे तंजीम के लोगों से मिलो, आपकी पढ़ाई कहीं पर रोकी नहीं जाएगी, आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। हमारा वाहिद मकसद है कौम को तालीम याफ्ता बनाना, क्योंकि अंधेरे की ज़िंदगी जो है बहुत बदतर होती है और अंधेरा उजाला में यही फ़र्क है, जिसने तालीम पाया वो रोशनाश हुआ, जो तालीम नहीं पाया वो अंधेरे में रहा। मेरा मकसद है दबे कुचे लोगों को रोशनी देना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। धन्यवाद, पढ़ाता हूँ। अभी मैं सितंबर माह मेरी जो है सेवानिवृत्ति हुई है और अब आगे का मेरा काम है कि सिर्फ और सिर्फ समाज की खिदमत करना, समाज के लिए कुछ करना, क्योंकि हमको जो ईश्वर ने दिया है हमको उसे यहाँ छोड़ के जाना है। हमारा एक ही मकसद है, हमको जो है कलम की रिस्क मिली, कलम की रोटी मिली, तो हम चाहते हैं उस कलम की ताकत को उन गरीबों में बांटें और हम जब तक हमारी सोच है जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी बच्चों के लिए। मैं जो है ड्यूटी में गवर्नमेंट में नहीं हूँ फिर भी मैं समाज का कर्जदार हूँ, मुझे कर्ज उतारना है, आखिरी दम तक मुझे कर्ज उतारना है। हमारे यहाँ एक जो है कुरान में लिखा है उतलुबुल इल्मे मिनल महदे इला लहत, आदमी पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक
स्टूडेंट है, सीखता है, और वही जो है स्टूडेंट है जो पैदा हुआ और आखिरी तक वो स्टूडेंट रहा। इस लहजे को हम लोग आखिरी तक चलते हैं, हम आज भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और आखिरी दम तक सोचते हैं कि हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। यही मेरा बच्चों को मैसेज है कि पढ़ो और बढ़ो, उसके अलावा नथिंग। आगे और बढ़ना है, ये मत सोचिए कि हौसला अफजाई होने के बाद हम 60-65% पार कर लिया है, एक सर्टिफिकेट में प्राप्त कर लिया, ये इनाम है। यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है, इस शुरुआत को आगे बढ़ाना है आपको, और आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको मेहनत करना है। आज हालात से आप वाकिफ है कि हालात किस तरफ किस कैसे चल रही है, इन हालातों से आपको ऊपर आना है। बहरहाल इकरा टीचर्स एसोसिएशन की नींव जिस मकसद से रखी गई थी वह मकसद साकार होता नजर आ रहा है, और ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज में फैला हुआ शिक्षा का अंधकार इकरा टीचर्स एसोसिएशन के प्रयासों से खत्म होता नजर आ रहा है। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।